Assalamualaikum, welcome to another exciting episode of Pakao. आज हम रमादा प्लाजा होटल में मौजूद हैं. यहाँ के एम्बियंस और खूबसूरत हैं और दिलकश हैं. जब भी हम कहीं जाते हैं या फिर हम टीवी पे देख रहे होते हैं तो हम एम्बियंस को ज़रूर फोकस कर रहे होते हैं क्योंकि हमें अच्छा लग रहा होता है, जैसे हमें यहाँ आके अच्छा लग रहा है. एंड ऑब्वियसली हमारी एपिसोड और एक्साइटिंग हो जाती है नोफिल एंड शेफ उवेस के साथ, जहाँ वो रेसिपीज़ मज़ेदार बनाना सिखाते हैं. सीखते तो हम बहुत कुछ है, साथ साथ हमारे पकाऊ हैं, ऑब्वियसली हमें पकाते भी हैं. थोड़ी सी छेड़छाड़, नोक झोंक और हल्ला गुल्ला इसी तरह से मिलकर बन रहा है ये एक एपिसोड जो कि है पकाऊ की. बहुत शानदार आज की भी होने वाली है. क्या कुछ होगा ना, आज के जज कितना टफ टाइम देने वाले हैं, क्योंकि आज के जज हो सकता है इन्हें टफ टाइम दे. कौन है वो जज, क्या हो रहा है आज के शो पर, तो ले चलते हैं आपको ज़रा काउंटर तक और फिर आपको बताते हैं आज के एपिसोड की डिटेल. तो आइए. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाए? खैरियत से हैं? ठीक है. सर्दी वर्दी लग रही है? अब गर्मी लग रही है. पुराना हो गया, कोई नई लाइन लेके आओ. हां मुझे बोल बोल के थक गया हूं. कैसा लग रहा है एंबियंस, कैसे लग रहे हैं? जबरदस्त, बहुत जबरदस्त. आज मौसम भी बहुत अच्छा है और लाइक कुजी सा वेदर, और फिर इसमें कुकिंग करने का मजा ही अलग है. आपको पता है फिर सर्दियों के ना आते ही जो है ना, आपने सोचा कि चलो यार यहाँ से मछली निकालते हैं, वही पकाना शुरू हो गया. तो प्लाजा की एक अलग ही बात है. ऑब्वियसली यहाँ फाउंटेन है, मैं तो यहाँ देख रही थी टर्टल्स भी अंदर तो हमने वो नहीं निकाल. क्या आप खा सकती हैं? नहीं. अच्छा, मैं तो वैसे भी सी फूड बहुत कम खाती हूँ. ऑक्टोपस, लॉबस्टर्स एंड क्रैब और इस तरह की कोई सब आने वाला है अभी आगे आने वाले एपिसोड्स में. आप बनाने वाले हैं? हाँ. एनीवेज क्या बना रहे हैं आज? आज तो सी फूड की बहार ही बहार है. सीरियसली आज आप ओशन में तैरती रहेंगे? ऐसे ही है. हाँ, विंटर स्टार्ट कब हुआ है? अचानक से खाने के बाद आपके पास दुम आ जाएगी. एक जल परी तुम्हारी बेटी सुन के खुश हो जाएगी. अच्छा मामा मोमेंट बन जाएगी. एनीवेज क्या फिश का सीन है? बिल्कुल, जो मेन कोर्स में है आपकी मेरी तरफ जो है वो फ्राइड फिश है विद सॉल्टेड कैरमल चटनी. वाह नाइस. अच्छा, पहले सॉल्टेड कैरमल डेजर्ट में सुना होगा लेकिन आज इंशाल्लाह सॉल्टेड कैरमल चटनी. ओके, तो और इसके साथ साथ फिश एंड चिप्स जो है वो आपका स्टार्टर है. मैं जो हूँ एक्चुअली राजस्थानी मिर्चों से ग्रिल फिश बना रहा हूँ. ओके. मेरी जो मैरिनेशन है इट्स विद राजस्थानी मिर्चें और साथ साथ जो है मैं एक देसी फिश एंड चिप्स आपको दूंगा. ओके, ऑलराइट. राजस्थानी फिश एंड देसी फिश का इजी एंड डिलीशियस. ओके, तो दोनों रेसिपीज आज की शॉर्ट है. वैसे आप में मेरी फिश में कोई बहुत सारी सिमिलैरिटीज हो जाएंगी, बताऊँ क्यों? आपने भी रेड पहना है, वो भी रेड है. रेड होगी पकने के बाद मैरिनेशन के साथ. यार अभी यार मैं कहाँ आ गई, मतलब मैं इतने सारे एपिसोड करने के बाद भी अभी तक यूज टू नहीं हो पा रही हूँ आप लोगों की बातों की नहीं हो पा रही हूँ. एनीवेज ठीक है जी, तो आप लोग अपनी डिटेल्स शेयर करेगा. फिलहाल हमें जाना है ब्रेक पे, तो दोनों रेसिपीज में आज क्या होने वाला है, क्विक एंड ईजी है. विंटर्स हो आ गए हैं, वैसे तो ऑल द पाकिस्तान में तो भरपूर तरीके से आ गए, लेकिन हम कराची वाले हैं जो थोड़ा लेट विंटर्स की तरफ जाते हैं. लेकिन फिर भी सी फूड तो इन्जॉय करना ही है, तो कैसे बेस्ट और मजे का बना सकते हैं. हमारे दोनों कॉम्पिटिटर्स तैयार हैं यहाँ पर अपनी रेसिपीज आप लोगों को बताने के लिए. फिलहाल जा रहे हैं हम एक छोटी सी ब्रेक पर और फिर आपको ज्वाइन करते हैं. कीप वॉचिंग पकाओ. वेलकम बैक टू शो पकाओ. और यहाँ पर आज दोनों जो है ज़बरदस्त सी फूड आप लोगों को सिखाएंगे कि किस तरह से अच्छा बेहतरीन सा अब आप घर पर बना सकते हैं. सर्दी लगे तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप घर पर मज़ेदार सी बना सकते हैं. बिल्कुल, कैसी स्मेल और ये तमाम चीज़ें, कटिंग चॉपिंग, ये तमाम डिटेल्स आप लोगों ने शेयर करनी है. बिल्कुल, मजाक के अलावा बात करनी है. स्मेल बहुत कम लोग हैं जिनको स्मेल निकालनी आती है वैसे भी फिश की. तो रीज़न यही है कि मैं बहुत सा सी फूड अवॉइड करती हूँ सिर्फ और सिर्फ स्मेल की वजह से. तो आज आप दोनों प्रॉपर शेफ्स हैं, ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन है, तो दोनों एक दूसरे से बेहतर किस तरह से बता सकते हैं. बहुत आसानी से जो है ना आप इसकी जो एक स्मेल है वो ख़त्म कर सकते हैं बहुत आसानी से और प्रिजर्व भी कर सकते हैं बहुत लंबे अरसे तक विदाउट स्मेल. सीरियसली? आराम से. ओके, तो आप लोग डिटेल में दोनों शेयर करने वाले हैं. बिल्कुल, प्लस रेसिपीज. यस. ओके, तो आज के शेफ के साथ साथ जो हमारे आज के जो जज हैं ये आप डरा देते हैं. हाँ, वो मैं साथ साथ बता के चली जाऊँ.
कि वो आज के आपको बड़ा टफ टाइम देने वाले हैं। कौन नहीं दे रहा हमें टफ टाइम देता है, चाहे वो बातों से हो, चाहे वो जजमेंट से हो, चाहे वो तफरी से हो, हमेशा ही टफ टाइम मिलता है। तो आप शुक्र अदा करें कि मैं आप लोगों को टफ टाइम नहीं देती हूँ, फिर भी साइड ले लेती हूं मैं। यू आर सो स्वीट। नहीं ऐसी भी बात नहीं है। अबे भाई यार बस कर दो, मुझे जाने दो। ऐसी बात बोले हैं अब मैं शर्माए नहीं है, ब्लश करने लग गई, देखो पिंक हो गई है। एनीवेज ये आप लोगों को रेसिपीज बताएंगे, अदरवाइज यही सारा जो है चलता रहेगा इनका। रेसिपीज की डिटेल चेक करें हमारे व्यूअर्स के साथ। मैं चाहती हूँ फिर थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करती हूँ आज के जज के साथ। सबसे पहले जो है हम लोग जो है मैरिनेशन तैयार करेंगे। मैरिनेशन जो है मेरे पास ये राजस्थानी मिर्चें हैं। राजस्थानी मिर्चें को जो है मैंने पानी और विनेगर को उबाला है, और उसके बाद में राजस्थानी मिर्चें जो बड़ी मिर्चें होती हैं वो राजस्थानी मिर्चें मैंने उसके अंदर डाली हैं, जो ड्राई मिर्चें होती हैं, और वो नरम हो गई। नरम हो जाने के बाद मैंने उसके सीड्स निकाल दिए। सीड्स निकालने के बाद मैंने उसके अंदर जो है रोस्टेड गार्लिक और जिंजर और थोड़ा सा विनेगर डाल के इसका मैंने पेस्ट बनाया, और ये पेस्ट मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। आज जो है वो ज़बरदस्त सी आपके पास जो है वो फ़िश की मैरिनेशन है। इसके साथ साथ इसके जो मैं आपको चटनी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। मैंने आपको नाम तो बोल दिया, सॉल्टेड कैरमल चटनी है ये, लेकिन बहुत इजी और अच्छा सा फ्यूजन करके आप नई जो आपकी इमली की चटनी होती है और इसमें धनिया पुदीने की चटनी को एक मिक्सर करके हम सॉल्टेड कैरमल सॉस के साथ एक ब्लेंड करके बनाएंगे। सी फूड जब भी आप लेके आते हैं उसको जो है आपने सबसे पहले उसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने उसके अंदर गार्लिक, सॉल्ट, विनेगर, लेमन, ये चारों चीज़ें डाल के आपने जो है इसको छन्ने के ऊपर छोड़ देना है। तो हम लोग उसको जो है छन्ने पे रखेंगे ताकि उसका सारा जो ड्रिपिंग्स हैं पानी वगैरह वो निकल जाए, नंबर वन, और उसकी बदबू निकल जाती है। 15 to 20 minutes इज़ इनफ। ज़्यादा स्मेल आ रही है तो आधा घंटे तक रख दें, और फिर उसको अच्छे तरीके से पूरी फ़िश को वॉश करके गार्लिक वार्लिक लेमन वेमन उतार के उसके बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो ये मैं सब कुछ करके लेके आया हूँ। उसके बाद हम लोग इसको साइड पे ये रख देते हैं। ये थोड़ा सा कुक होता है, इसके साथ साथ हम अपनी मैरिनेशन की तरफ आएंगे। सबसे पहले हमने ले लिया है यहाँ पे चटनी, सॉरी इमली। इमली हमने डाली है तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसमें जाएगा, ठीक है। इमली का पल्प या पेस्ट आप तो कह लें वो हो गया, ठीक है। इसमें जाएगा जो पुदीना और धनिया की हमारे पास चटनी है जो आपके घर में कॉमनली बनती है, इसमें लहसुन नहीं है, बस ये एक थोड़ा सा वो है, एक दो, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखना हमें, तो हमने इसमें इतना ही डाल दिया। अच्छा, इसमें जाएगा अब एक अदद, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, तकरीबन 1/4 teaspoon के करीब सॉल्ट डाल दिया हमने, ठीक है। इसमें डाल दिया हमने रेड चिली क्रश, एज पर रेसिपी सारी चीज़ें हैं, कोई भी रेसिपी से इधर उधर चीज़ नहीं है। विनेगर, ठीक है, शुगर डालेंगे इसमें एज पर रेसिपी 1 tablespoon तकरीबन। आंच को थोड़ा सा आहिस्ता करेंगे और इसको भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि इसका ऑयल जो है वो सतह पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। फिश एंड चिप्स की मैरिनेशन बहुत इजी मैरिनेशन है। फिश एंड चिप्स की मैरिनेशन के लिए हमने टेम्पूरा बैटर जो हम हमेशा यूज़ करते हैं, टेम्पूरा बैटर की मैं रेसिपी एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इसमें है 6 tablespoon के करीब फ्लावर, इसमें है 3 tablespoon कॉर्नफ्लावर, 1.5 tablespoon के करीब इसके अंदर है आपका राइस फ्लावर, और 1/2 teaspoon के करीब है बेकिंग पाउडर, और 1/2 teaspoon के करीब है सॉल्ट, ठीक है। इसको हम अच्छे सा एक मिक्स देंगे। हमारे पास विस्क रखा है, और एक अदद इसमें अंडा जाएगा और चिल्ड वाटर जाएगा। फ्लावर के अंदर हम ये मसाला डालेंगे, इसमें दही डालेंगे, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, ब्लैक पेपर हल्का सा डालेंगे, एंड दैट्स इट। सॉल्टेड कैरमल की चटनी बोला है मैंने। मैं जो एक्चुअली ये देख रहा था कि इसमें थोड़ा सा जो है ना टेस्ट मुनासिब हो जाए। मैं फिश कौन सी है वैसे? हाँ, फिश कौन सी लिए? काला पाम्पलेट। अच्छा, मेरी कौन सी थी? डंडी। आई
अच्छा, अब नॉफिल तुमने बता दिया फिश को कैसे जो है वो हम वो करते हैं। बिल्कुल मैंने बता दिया, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको रिपीट नहीं कर रहा। फिश की मैरिनेशन बहुत इजी है, मैंने यहाँ पे पहले से एक मिक्सर बना के रखा हुआ था। मिक्सर बना के, मिक्सर के अंदर क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इसमें हम लेंगे हाफ कप के करीब जो है वो योगर्ट, प्लेन योगर्ट। प्लेन योगर्ट के अंदर इसके अंदर जाएगा जो है वो अदरक लहसुन पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। इसमें जाएगा लेमन तकरीबन 2 टेबल स्पून, 2.5 टेबल स्पून के करीब लेमन डाल देते हैं। एज पर कंसिस्टेंसी पानी डालेंगे। ये आपके पास मिक्सचर तैयार है। अच्छा, अब इसको कंबाइन करने के बाद, इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल एज पर अपने हिसाब से इसके अंदर डालें, बहुत ज़्यादा ऑयल ना डालें क्योंकि हमने इसको करना भी फ्राइड है वो। क्या इसके अंदर डालना, बस हमारी रेसिपी जो है वो चल रही है। बिल्कुल, मछलियाँ समंदर से निकल के अब पेट के समंदर में जाएंगी। Right. Yeah. तो फुल डिटेल आप लोगों ने शेयर कर दी, टिप्स एंड ट्रिक्स जो जो होनी चाहिए फिश के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें जाएगा ऑयल ऑन और नहीं ऑन करना, अच्छा बाद में कर लेना, मुझे ऑन ही लग रहा है। फ्लावर है 1.5 कप के करीब। अच्छा कर दिए। हाँ, वो काले चश्मों में नजर नहीं आते। काले तो है ही नहीं, ब्लू है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम, जैसे ही थोड़ा सा पानी, ये बहुत ज्यादा थिक हो गया तो इसमें डालेंगे आप। अच्छा, तो फिश कौन सी लिए, क्या है, सारी डिटेल्स हो गई। फिश जो है जी बिल्कुल सब कुछ हो गया है। मेरा बैटर जो है, मैं अच्छा फिश एंड चिप्स जो है वो जो एक आपका ट्रेडिशनल स्टाइल का फिश एंड चिप्स है उसमें टेम्पुरा बैटर ही जाता है, जो सिंपल टेम्पुरा बैटर है उसमें कुछ भी ऐड ना करें। जो आपका बैटर की रेसिपी है उसी के अंदर आपने फिंगर फिश के जो आपने स्ट्रिप्स ली हैं उसमें डिप करें और वो फ्राई के लिए डाल दें, दैट्स इट। उसमें ना चिकन पाउडर ना कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आसान सी रेसिपी है, वही आपको जो है वो मज़ा देता है। वरना जो आप इसमें कुछ एडिशन कर देंगे तो वो कुछ और फ्यूजन ही बन जाएगा। जैसे कुछ लोग जो हैं वो फ्यूजन कर रहे हैं राजस्थानी और सुन रहे हैं आप? क्या क्या मैं सुन रहा हूँ, बोलते हैं हैं असर ही बोलते नहीं ये लोग। अच्छा, तो फिश का क्या कर रहे हैं हम लोग जो है, मैंने यहाँ पर देसी बैटर अपना रेडी कर लिया है। बैटर बता दिया डिटेल में? बिल्कुल बिल्कुल मैंने बता दिया है। और इसमें जो है बस अब मैं फ़िश को फ्राई करूंगा, नंबर वन। नंबर टू, ये इसकी मैरिनेशन भी रेडी है, वो भी मैंने बता दी है। वो मैरिनेट करके इसको ग्रिल कर दूंगा और बस उसके बाद थोड़ी बहुत गार्निश फ्राइज वगैरह, एंड दैट्स इट डन। दैट्स इट डन, ओह माय गॉड। तो फिर आज क्या हम टाइम से पहले शो को एंड करने वाले हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। फिश टिक्स मतलब इतना भी टाइम नहीं लेती, पर ऑब्वियसली डेलिकेट है थोड़ा बहुत, तो उसको देखना पड़ेगा। ले लें, ले लें या जज को बुला लें? तो इंतजार थोड़ा सा और करवा देते हैं, थोड़ा सा टेंशन और बढ़ा देते हैं या फिर थोड़ा सा रिलैक्स होने देते हैं। वेल, ये तो आने के बाद ही पता चलेगा कि आज के गेस्ट इन लोगों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, क्या क्या विचारों के साथ होता है। हर बार एक नया चैलेंज होता है इन लोगों के लिए। आज का क्या होगा, कौन है आज के गेस्ट, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए हमारा शो पकाओ। Welcome back to show, पकाओ। यहाँ पर आज विंटर्स की खास मजे की रेसिपीज तैयार की जा रही है। हमारे दोनों कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो आपको बेस्ट रेसिपी देने की कोशिश में लगे हुए हैं, पर इनके साथ आज एक जो जज है हमारे साथ, वो आप लोगों को थोड़ी सी टेंशन देने के लिए बुला लेते हैं। बहुत सुकून से हो गया काम, रेसिपी भी शॉर्ट है, मुस्कुराहट चेहरे पर मुसलसल चल रही है। अब कुछ तंग करना बनता है। कर लें तंग, कर लें तंग। आप तो माहिर हैं। मैं तो आपको बताया फिर मैं हमेशा मतलब मैं हमेशा बच जाता हूँ, आप ये कहें मैं अपनी लक से बच जाता हूँ। कौन है? सब हमेशा नोफिल पिसते हैं। लेट्स सी आज कौन पिसने वाला है, कौन है हमारे साथ। जी आज हमारे साथ क्लस्टर हेड शेफ ऑफ रमादा, जब बुलाते हैं हमारे साथ है शेफ राजा अब्दुल्ला को। आज तो सही वाली जो है ना वो क्लास होने वाली है। अब तो कितने सारे है जी, होटल प्लाजा क्रीक सबके हेड शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ, तो एक्सपीरियंस कई ज्यादा गुना बड़ा। हमारे कॉम्पिटिटर्स के हाथ कांप रहे हैं,
अच्छा सर, मेरे पास जो है वो फ्राइड फिश है, उसके साथ साथ जो है वो इमली की चटनी को थोड़ा सा फ्यूजन करके सॉल्टेड कैरमल चटनी बनाई है। ओके ठीक है। और आपका एक ट्रेडिशनल फिश एंड चिप्स जो होता है, बिल्कुल वो मेरा स्टार्टर है, ये दोनों आपको इंशाल्लाह ताला आज आपको खिलाएंगे। वो मैरिनेशन बनाई है जी, ये बिल्कुल ये फिश की मैरिनेशन है और ये टेम्पूरा बैटर है जो फिश के जो फिश एंड चिप्स के लिए यूज़ होगा। इधर मेरी जो है सॉल्टेड कैरमल चटनी रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट, इसको बस अब मैं सर्व करूँगा। और जो फिश एंड चिप्स की डिप्स है वो मैं माइनीस के साथ जो है वो मैंने वहाँ से थोड़ी सी राजस्थानी जो एक मैरिनेशन बनी है वो तुमने उससे मैं हम ये करते निकाली है तुमने उसका क्या नाम अभी मैं कहूँ कम क्यों हो गई वो राजस्थानी डिप नहीं, अब तो आपने मतलब पूरा फ्यूजन कर दिया ना। हाँ। क्या नाम क्या देंगे इनका? फिश एंड चिप्स है विद स्पाइसी डिप्स, राजस्थानी स्पाइसी डिप्स। ओके या, और ये तो मेरी अपनी रेसिपी है जो इमली की चटनी होती है उसके अंदर। बिल्कुल श्योर हैं कि राजस्थान में ये चटनी बनती है? एक्चुअली हमारे पास जो नहीं, राजस्थान देखा है आपने? नहीं कभी नहीं देखा, जाने का बड़ा शौक है। कब गए नहीं है, देखा नहीं है। अच्छा नहीं, एक्चुअली एग्जैक्टली वहाँ का टेस्ट एक्चुअली बताऊँ क्या है, सिलसिला ये है कि इनको तो पता नहीं ना, चुराई है ना इससे यहाँ से राजस्थानी। हाँ। ये राजस्थानी मिर्चों के नाम से मिलती है यहाँ पर, बड़ी वाली मिर्चें। अच्छा। तो इस वजह से हमने इसको राजस्थानी चिली का नाम दिया क्योंकि ये मिलती ही राजस्थानी मिर्चों के नाम से, या कश्मीरी मिर्च कहते हैं। राजस्थान में राजस्थान है? नहीं, क्यों है राजस्थान में? पाकिस्तान में राजस्थान क्यों नहीं है? अच्छा अच्छा, पाकिस्तान में आधा राजस्थान जो है वो इंडिया में, आधा राजस्थान पाकिस्तान में। आप मीरपुर खां से आगे जाएंगे तो राजस्थान शुरू, उमरकोट, मिट्टी, चाचरो, डीपलो, ये सारा राजस्थान है। वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी चूड़ियां वाली हस्ती, मशहूर एक शख्सियत है राणा चंद्र सिंह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऊँटों पे जो है वो जाते हैं, ऊँटों पे आते हैं। तो वहाँ का सेम लुक आपको मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल वही है, हम तो राजस्थान में शिकार भी करके। देखिए मैं ये तो जरूर जानता हूँ किस चीज का शिकार किया था वहाँ पे। हिरन बहुत है। अच्छा, और वहाँ पे आपको वो भी मिलेंगे मोर। ओ, मोर जो है वो भी शिकार किया था। हाँ, मोर को पकड़ते। हाँ, पकड़ कैसे पकड़ते? पकड़ लेते हो, ये उनके ट्रिक है, जाल बिछाते हैं उसमें पकड़ते हैं, फिर उनके जो है वो जो अंडे हैं वो कहीं से निकाल के ले आते हैं। चित्तर मुर्ग वाले बस वही हमने जो मैरिनेशन तैयार की थी राजस्थानी। अच्छा, मतलब आपकी कंपटीशन नहीं है, हमने की थी वो उसको बता रहा नहीं, मैंने ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला है, हमेशा कभी कभी हो जाती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी। आप ये शब्द के साथ साथ चोरियां भी करने में माहिर हैं। वो अभी लेके गया ना मेरी सौदा, मैं इससे इमली की चटनी चुराऊंगा। ये तो कोई कंपटीशन नहीं हुई, ये स्मार्ट वर्क। कंपटीशन इज द सीक्रेट, सीक्रेट होती है और उसमें जरा पसीने और एक्साइटमेंट वो कोई नजर नहीं आ रही है। टेंशन नहीं, हमें तो एक्साइटमेंट है। जज का इंतजार करें कि क्या नंबर्स देंगे, दिल धड़कता है, धड़ वो तो नहीं है। क्या हो रहा है भाई? और फिर कोई भी ऐसा जुमला आ गया, फिर बाय। राजस्थानी चिलीज की मैरिनेशन बनाई थी मैंने। आप राजस्थान में? अच्छा नहीं, वो नहीं है, वो मेरी चटनी वो लेके गया है मैरिनेशन, वो तो सिंपल दूसरा बना रहा है। एक्चुअली राजस्थानी चिलीज़ की मैरिनेशन मैंने बनाई थी, तो उसको मैंने जो है वो फ़िश में मैरिनेट करके रख दिया है। अब मैं इसको जो है ग्रिल पैन पे ग्रिल करूँगा, साथ साथ जो है देसी बैटर बनाया है। तो मैरिनेशन तो आपकी बहुत ज़्यादा है, जब पैन पे जाएगी काली हो जाएगी, लुक तो आपका नहीं आएगा। लुक नहीं आएगा, उसको मैं भी कम कर देता हूँ। नहीं, वो देख लें आप कॉम्पिटिशन थोड़ी सी, क्योंकि जब वो ऑयल में जाएगी, जब आप उसको लगाएंगे तो ब्लैक हो जाएगी। चलें, मैरिनेशन टू मच। क्लस्टर हेड शेफ। नहीं नहीं, अभी तो ये मैं इसको उठाऊंगा ना, तो फिर उसके बाद नीचे भी सारी मैरिनेशन चिपक गई है प्लेट के साथ, इस वजह से मैंने इसको रखा है अभी। ओके चलो, तो जब वो प्लेट से उठाऊंगा तो नीचे चिपकी हुई है सारी। गुड राजू साहब, देखा आपने, वो जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो कोई ना कोई एक्सक्यूज देते जरूर हैं बेचारे अपने टीचर्स को। कवर अप तो करना होता है, कवर करने के लिए। तो अभी ये वही काम हो रहा है इधर, स्पाइडर की बात है। अच्छी बात है, कवर करें, क्योंकि ये अभी लर्निंग प्रोसेस में है, ये कुछ बिगाड़ेंगे, कुछ बनाएंगे, कुछ सीखेंगे, और फिर इनको एक काफ़ी टाइम चाहिए आगे जाने के लिए। तो अच्छी बात है। अच्छे हैं आप तो, बड़े स्वीट हैं। मैंने तो ऐसे
सोचा मैंने कहा आज तो पता नहीं क्या होने वाला है इन दोनों के साथ। नहीं, इतना नहीं क्लस्टर हेड शेफ का मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज्यादा जो है वो होते हैं, बट बहुत स्वीट भी होते हैं। क्या हो गया अगर बच्चे को पहले से रोक दिया जाए ना तो फिर वो आगे नहीं बढ़ता, वो चीज छोड़ देता। अगर बच्चे बड़े जो है ना वो डांट देंगे ऐसा नहीं करना ऐसा करना, तो हमेशा वो डर के खेलेगा। डर के नहीं खेलना चाहिए, क्रीज पे खेले तो दिल खोल के खेले। उसको कैप्टन कहता खेलो बेटा तो वही खिलाड़ी बनता है। इसलिए थैंक यू। बच्चा तो रही है, ये क्या ये आप देखें तो सही, यहाँ क्या हो रहा है? कंपटीशन नहीं है, नहीं ये हम लोगों को बुद्धू बना रहे हैं वैसे। सही कह रहे हो आप, ऐसे ही कुछ हो रहा है। ये यहाँ से हमेशा होता है, एक ने चीज को रेडी किया है दूसरे को भी चाहिए होती है, या पता नहीं एक की देख कर दूसरे को इंटरेस्ट आ जाता है, वो मैं भी ये ले लूं, क्या पता मेरी रेसिपी में भी टेस्ट आ जाए। आप लोगों ने टाइम फ्रेम स्टार्ट उसी ने किया है, स्टार्ट उसी ने किया है, काफी टाइम दिया है। मैंने स्टार्ट करा है, 15 मिनट देने चाहिए टोटल। मुझे दे दो। चलो क्या चल रहा है इधर? फ्राइंग पे जा चला गया है। यहाँ पे फ्राइंग पे जो है मेरे जो फिश एंड चिप्स वाली जो फिश है, टेम्पुरा बैटर वाली, टेम्पुरा फिश भी कह सकते हैं इसको, वो मेरी फ्राइंग हो रही है। अच्छा, इसको मीडियम फ्लेम पे करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको मैं करूँगा तो फिश थोड़ा सा वो अपना जो स्मेल है वो कम कर देती है। चिप्स कौन से देंगे आप? फ्राइज, नॉर्मल फ्राइज जो होते हैं वो मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल बना रहा हूँ उसको, जो आपका एक होता है कि लोग घर में बनाने के लिए बहुत वो करते हैं कि आप बाज़ार से खाना है, तो हम थोड़ा सा ये करते हैं कि घर में भी आप इसी को बहुत ईजी टेम्पुरा बैटर की रेसिपी के साथ आपने फिश में उसको डिप करा है, देन यू सर्व इट। इट्स अ सिंपल रेसिपी। और आप देते तो आप क्या कौन से चिप्स कहते हैं कि होनी चाहिए? ये नहीं, जो ये कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, सही कह रहा है कि टेम्पुरा ही बेटर होता है उसका। और चिप्स कौन सी होनी चाहिए सर? होटलों में चलती है वो चलती है फ्रेंच फ्राइज, इजी है ना, पैकेट खोला डाला दीजिए। वैसे इसके साथ जो बिल्कुल ऐसे ही चिप्स हम उसको कहते हैं जो लेज में चिप्स निकलते हैं, असल नाम चिप्स का वो है, चिप्स वो है, ये चिप्स नहीं, ये फ्रेंच फ्राइज है, ये फ्रेंच फ्राइज है। वो चिप्स जो है ना उसके साथ होती है, एक्चुअल उसके साथ होती है, और उसके साथ जो सर्व होती है वो टाटर सॉस होती है। बिल्कुल। तो टाटर सॉस बन रही? टाटर सॉस हमने एक बार बनाई थी, रिमेम्बर? बस या आज नहीं बनाई क्योंकि वो रिपीट हो जाएगी फिर। हाँ। आज टाटर सॉस नहीं, आज जो है वो मैंने बोला मायनीज के साथ वो राजस्थानी वाली चटनी देके थोड़ा सा चेंज करते हैं। इन्होंने ईस्ट वेस्ट को मिक्स कर दिया ना, ईस्ट की वो हो गई। अब आप टेस्ट कीजिएगा, देख लेगा अगर गुजारा हो जाए और बच जाएंगे लोग। बस आपको भी करना है ना। मैं कुछ मैं तो यूज्ड हो गई हूँ लोगों के हाथों के बने खाने खा के। आज आप ट्राई कीजिएगा और बताइएगा, आपने न जाने कितने शेफ्स और कितने स्टूडेंट्स होंगे जिनकी ट्राई किया होगा। आज शेफ नोफिल एंड शेफ ओवेस की ट्राई कीजिएगा और बताइएगा। हमें ब्रेक लेना है शेफ, तो आप प्लीज ब्रेक लीजिए। देखते रहिए हम दोनों होनहार बच्चों को, और हम जल्दी से आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू शो पकाओ। आज यहाँ पर हमारे साथ जो जज मौजूद हैं वो है क्लस्टर हेड शेफ राजा अब्दुल्ला, और बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है क्योंकि हमारे शेफ्स जो हैं थोड़ी सी टेंशन में हैं और थोड़ा रिलैक्स भी हैं। लेट्स सी अभी रेसिपीज़ में क्या होने वाला है। जब तक ये रेसिपीज़ अपनी बनाते जा रहे हैं हम थोड़ा सा आपसे बात करते हैं। रमादा प्लाजा में हम यहाँ पर मौजूद हैं, आप यहाँ पर बताएं। वैसे कुछ गहमा गहमी भी है आज, थोड़ा सा रश भी नज़र आ रहा है, कुछ चलता रहता है मुसलसल ही तरह से यहाँ पर। हाँ, वो तो आपको पता है कि होटल लाइव होता है, जब से ये ओपन हुआ इसका ताला खुला है उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ताला नहीं लगा, और ना ही अल्लाह न करे को ऐसा काम हो, क्योंकि रेस्टोरेंट तो रात को बंद हो जाते हैं मगर होटल ये है 24 आवर्स जो है वो लाइव रहते हैं, उसमें कुछ न कुछ चलता रहता है। सुबह में ब्रेकफास्ट होता है और उसके बाद फिर लंच की तैयारी होती है, लंच के बाद फिर हाई टी की तैयारी होती है, हाई टी के बाद फिर डिनर लगता है, तो यानी कि चारों मील हमारे पास बैक टू बैक चलते रहते हैं। इसके अलावा कॉफ़ी शॉप है जो 24 आवर्स हमारा ओपन होता है, और बहुत बड़ी जगह है यहाँ पे, 9 किलोमीटर पे बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुख्तलिफ हमारे पास बैंक्वेट हॉल हैं, शादी की रात को शादी की तकरीबात होती हैं, दिन में मीटिंग्स होती हैं, तो एक बड़ा इनके पास अच्छी खासी मीटिंग्स कहीं। जी हाँ, हमारे पास आज काफ़ी सारे लोग, आज भी हमारे पास जो है बहुत बड़े ग्रुप ठहरे हुए हैं और उनकी काफ़ी मीटिंग्स है, सारे यानी कि ऑक्यूपाइड हैं। क्या हो रहा है हमें भी बताएं। इसके पास फ्रैंक पे आइस, इसके पास थी ना कढ़ाई आज। अच्छा, तेल लेके आज नहीं हमेशा, ये लोग नहीं मेरे पास रहती है हमेशा, नहीं पता आपको। नेकी कर और नौफिल पे डाल, बस ये वाला हिसाब किताब है। एक तो बंदे का हेल्प करा रहा हूँ, और अरे तुम्हें बता
मतलब सोचे क्लस्टर हेड शेफ यहाँ पर खड़े हैं, आप इस तरह से ना? एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं? नहीं, हम तो आपको देख रहे हैं। ओह माय गॉड, मुझे ना देखें, रेसिपी पे फोकस करें। क्या कर रहे हैं ये बताएं जरा। वो इंतजार कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, नोट कर रहे हैं कि बस कुछ नहीं है, मैं जो केस ने मैंने कुछ नहीं करा। जल्दी जल्दी क्योंकि इतने ये आगे बता दे कर क्या रहे हैं। कुछ नहीं, फ्राई कर रहा हूँ बस, ये डस्ट करके इसको मैंने बैटर में डाल के इसको फ्राई कर रहा हूँ, दैट्स इट। इसको ओके। यहाँ पर मेरी फिश को जो है ना ग्रिल पैन के साथ बहुत मोहब्बत हो गई है। क्यों? देख छोड़ जाने पैन की जाने छोड़ी। तो क्या सीन है वैसे, क्या होना चाहिए अगर चिपक जाए तो उस पे हमें ऐसा क्या करना है कि? देखिए नॉर्मली जो है ना नॉन स्टिक फ्राई पैन बेस्ट हैं, वरना नीचे जो है बटर पेपर आप अगर बिछा दें और उसके ऊपर रखें तो चिपकने का चांस कम होता है। क्योंकि इतनी डेलिकेट होती है, आपने जरा सा भी थोड़ा सा भी इसको वो किया जोर, मुझे खतरा था। ये बस एक्चुअली होता ये है कि ये नॉन स्टिक ही है, पैन को फुल गर्म करना चाहिए। अच्छा, फुल हीटेड होता है, उसके बाद कोई भी चीज़ रखेंगे तो वो चिपकेगी नहीं। अगर पैन आपका जो है वो गर्म नहीं है और आपने चीज़ रखी, खास तौर पे फिश क्योंकि स्किन होती है, वो चिपक जाएगी। इवन अगर चिकन की मैरिनेशन या कोई चीज़ भी होगी, पैन ठंडा होगा तो चिपक जाएगा। उसमें अगर अंडा भी फ्राई करते हैं वो भी चिपक जाएगा। अच्छा। नॉन स्टिक में अगर ठंडे में डाला तो। ओके, भैया क्या हो रहा है? बस होल फिश, होल फिश को जो है मैंने बैटर के अंदर डिप कर दिया अच्छा सा। अच्छा, इसकी टेल को मैं थोड़ा सा बैटर पे नहीं रखूंगा, थोड़ा सा लुक देने के लिए, वो खाने में भी नहीं आती है। एक गार्निशिंग और एक प्लेटिंग के पर्पज के लिए उसको मैं छोड़ दूंगा, बाकी पूरी फिश को। अच्छा, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर मिलाया ताकि थोड़ा सा लुक चेंज हो, वरना ये येलोइश टाइप का होता है, जिस तरह का एक बैटर होता है वो ही होता है इसके अंदर। लेकिन मैं थोड़ा सा फूड कलर मिला के इसको था ग्रीन, है ग्रीन मसाला नहीं, सिर्फ कलर देने के लिए इसमें ग्रीन कलर मिला है। ओके, अच्छा मुझे बताएं, फॉर एग्जांपल अगर फिश अब तो चिपक गई तो फिर क्या करें? आपने वैसे तो हमें टिप्स दे दी बहुत सारी, ये अच्छी टिप्स हैं जो कि अभी हमें हमारी आगे लाइफ में यूजफुल रहेंगी और काम आती रहेंगी। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ चिपक जाती है पैन पर, तो उस टाइम क्या करें फौरन से? उसका फिर वो कुछ भी नहीं है, उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। अच्छा, थोड़ी देर छोड़ दें। हाँ, थोड़ी देर छोड़ दें तो तब जब तक वो नीचे से पक जाएगी तो उस खुद ब खुद उसको छोड़ देगी। अब मुझे इसका इंतज़ार है, ये जा रही है अब गर्मा गर्म ऑयल में, एंड हियर यू गो। नाइस, मुझे ये अच्छा लगा, फुल ग्रीन सा बैटर में कोट हुआ है, बट नोफिल की भी अच्छी आ गई है। ये भी रेडी है, ये भी हो रही है, बस प्लेटिंग करूंगा। ये बता दें, देसी फिश एंड चिप्स भी रेडी है और प्लेटिंग जो है इसकी मैं करूंगा बस आगे जाके। ओके, तो कैसे इसको अच्छा एंड अच्छा सा मज़ेदार सा असेंबल कर सकते हैं, ज़बरदस्त की इसकी प्रेजेंटेशन होगी और क्या टेस्ट होगा, ये तमाम चीज़ें हमने जाननी हैं। ऑब्वियसली क्लस्टर हेड शेफ राज अब्दुल्ला हमारे साथ हैं, ये ज़बरदस्त से आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह की रेसिपीज़ आज की तैयार हुई हैं। पर उससे पहले रिकैप होने लगा है दोनों रेसिपीज़ का, तो दोनों कंटेस्टेंट्स ने हमारी किस तरह की रेसिपीज़ आज की बनाई हैं, चेक कीजिए रिकैप। एक छोटा सा ब्रेक है, फिर आपको ज्वाइन करते हैं, कीप वॉचिंग। देसी फिश एंड चिप्स बैटर, मैदा 3/4 कप, पिसा जीरा 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, साबित धनिया आधा खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, लीमू 1 अदद साबित, दही 1/4 कप, तेल 3 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पानी हसबे ज़रूरत। फिश एंड चिप्स के लिए, फिश एंड चिप्स 200 ग्राम, मैदा 6 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, राइस फ्लावर 1.5 खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, ठंडा पानी हसबे ज़रूरत। डिप के लिए राजस्थानी मिर्च सॉस हसबे ज़रूरत, मेहू आधा कप, लीमू 1 खाने का चमचा, नमक हसबे जायका। तरकीब, बैटर के तमाम अज्जा मिक्स करें, 200 ग्राम फिश स्ट्रिप्स, नमक और काली मिर्च से मैरिनेट करें, मैदे से डस्ट करें और बैटर से कोट करके फ्राई कर लें, फिर डिप के साथ सर्व करें, डिप के तमाम अज्जा मिक्स कर लें। फ्राइड फिश होल विथ सॉल्टेड कैरामल चटनी। अज्जा, साबित मछली 1.5 किलो, इमली की चटनी के लिए हरे मिर्च 5 अदद, पुदीना आधी गच्ची, हरा धनिया आधी गच्ची, पानी हसबे ज़रूरत, सॉल्टेड कैरामल 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा आधा खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, इमली भीगी हुई 60 ग्राम। बैटर के लिए मैदा 1.5 कप, पिसा जीरा 1.5 खाने का चमचा, लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा,
साबित धनिया एक खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च डेढ़ खाने का चमचा, काली मिर्च एक चाय का चमचा, हल्दी एक चाय का चमचा, नमक चार चाय के चमचे, लीमू डेढ़ अदद, दही आधा कप, तेल छः खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट ढाई खाने के चमचे, पानी हसबे ज़रूरत। तरकीब: हरी मिर्च, पुदीना और हरा धनिया ब्लेंड करें और सॉस पैन में डालें। इसमें इमली मिक्सचर, तमाम मसाले और सॉल्टेड कैरमल मिलाकर पकाएं कि गाढ़ा हो जाए या कॉर्नफ्लावर मिला दें। बैटर के अज्जा मिक्स कर लें। साबित मछली पर कट्स लगाएं, मैदा डस्ट करें, बैटर से कवर करके डीप फ्राई कर लें। राजस्थानी चिली ग्रिल होल फिश मैरिनेशन सॉस के लिए: साबित मछली 1 से 1.5 किलो, बड़ी राजस्थानी मिर्चें 8 अदद उबली, सिरका 2 चाय के चमचे, लहसुन के जवे 24 अदद, प्याज क्यूब्स 2 अदद, शिमला मिर्च क्यूब्स 2 अदद, चीनी 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, काली मिर्च 2 चाय के चमचे, अदरक 2 इंच का टुकड़ा, सिरका 2 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में तेल गरम करके लहसुन फ्राई करें कि रंग बदल जाए, फिर अदरक लहसुन भीगी मिर्चें 2 खाने के चमचे, सिरका ग्राइंडर में डाल के पेस्ट बना लें। पेस्ट तेल में सौते करें, फिर चीनी सोया सॉस नमक और काली मिर्च डालकर पका लें। साबित मछली पर कट्स लगा के मैरिनेशन सॉस से मैरिनेट करें, ग्रिल करके पका लें। इसी पैन में प्याज क्यूब्स और शिमला मिर्च क्यूब्स के साथ फिश सर्व कर दें। वेलकम बैक टू शो पकाओ, और अब मैं और राजू साहब यहाँ पर आ गए हैं, वेट कर रहे हैं कि आज के हमारे दोनों कंटेस्टेंट्स ने जो रेसिपीज रेडी किए हैं वो कैसी दिखनी होंगी। देखिए, सरप्राइज है। सरप्राइज है, ऑल राइट। तो बुला लेते हैं जल्दी से शेफ्स को, ताकि ये सरप्राइज जो है फाइनली डिस्क्लोज किया जाए कि उन्होंने कैसा इंसाबल किया है, क्या प्लेटिंग हुई है और किस तरह का तैयार किया है। तो शेफ्स प्लीज आइए। हेलो, हाय। हेलो, क्या सीन है, कितने एक्साइटेड हैं? क्लस्टर हेड शेफ साथ हैं। ओह माय गॉड, न जाने कितनी रेसिपीज, कितने फूड आपकी डेली नज़रों से गुजरते होंगे और डेली आप टेस्ट करते होंगे, और आज शेफ नोफिल, यस, फिंगर क्रॉस, एंड शेफ ओवेस की ये दो डिशेस आपके सामने। ये ओवेस की है? यस, दिस इज फिश एंड चिप्स एंड और वो नोफिल ने बनाया। नोफिल फिश का मुंह क्यों काटा? वो पूरी नहीं आ रही प्लेट के ऊपर। प्लेटिंग भी तो अच्छी लग रही है ना। ओह, वो जल पर ऊपर से बात में जा। मेरे ख्याल में कोई ज्यादा टेस्टी बनी आधी इसने अपनी। हां, ये भी हो सकता है। वैसे यू नो वे नोफिल का काम यही है, वो आधे से ज्यादा खा लेते हैं। खा लेते हैं ना, तो प्लीज ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच। आपको दूं? Yes, please. Thank you. अच्छा, फिश मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई डोंट नो, क्योंकि क्लस्टर हेड शेफ हैं, ये आपको एक्चुअल बताएंगे। वही तो। ओवेस। अच्छा, चलें जी नेक्स्ट रेसिपी पे आ गए, छोड़ दें वो फिश एंड चिप्स वाली स्टोरी। क्योंकि ये बड़े ख्याल से खानी है आपने भी। बोन्स की वजह से। बोन्स की वजह। ओह यस। अच्छा, इन्होंने एक्चुअली ग्रीन कलर दिया है, रिमेंबर इसके ऊपर ग्रीन सॉस या ग्रीन कुछ है नहीं। थैंक यू। अच्छा, मैं बस थोड़ी सी ट्राई करूँगी। समथिंग डिफरेंट, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन हल्की सी वीक है, मगर कॉम्बिनेशन ठीक है। टमरिंड सॉस एंड ग्रीन स्पाइसेस के साथ जो फिश बनाई है, जूसी क्रिस्पी, परफेक्ट। सो फाइनली यू लाइक इट? या गुड। नोफिल तो पास, ओवेस तो पास हो गए हैं, अब नोफिल की तरफ। कुछ मजीद और कुछ कहना है आपने? कुछ कमी तो नहीं रह गई कहीं? कुछ कुछ और नहीं। मैं इतनी जल्दी कैसे निमट गए?
मेरे ख्याल में इन्होंने जो जिस तरीके की स्पाइसेस यूज़ की हैं, क्योंकि उसमें फ्यूजन बनाया तो एक अच्छा सा टेस्ट आ रहा है। मतलब फिश एंड चिप्स के साथ अगर ये डिप है, थोड़ी स्पाइसी हमारा पाकिस्तानी टच भी आ रहा है उसके साथ, तो और वो फ्राई होने के बाद जो स्किन उसकी क्रिस्पी हो जाना ये भी एक अच्छा साइन है। और टैमरिंड सॉस परफेक्ट गुड, इसने जो राजस्थानी कहिए, मैं इसको राजस्थानी नहीं कह सकता। अच्छा ये है राजस्थानी, राजस्थानी इधर आएंगे नहीं, ये टैमरिंड भी आपने कहा था, ये सॉल्टेड कैरमल चटनी है, कुछ राजस्थानी सॉस किसी चीज में है, वो चोरी करके मायनीज में मिक्स करके ऑरेंज वाली फिश एंड चिप्स के साथ की थी। फिश एंड चिप इस ये वाली है राजस्थानी टच वाली। अब देखेंगे प्लेटिंग में आधी फिश आ गई, और ये अगर किसी अगर हम गेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या किसी मेहमान, तो चलो समझ में आता, मगर मेहमान भी कहेगा कि यार आधी फिश क्यों आई, वो बच गई थी। हाँ तो ये बच गई थी, कल की है, गर्म करके दे दिए। अगर हम गेस्ट को देंगे तो गेस्ट भी कहेगा कि भाई इसका सर कहाँ है, भले वो खुद काट के फेंक दें मगर होनी चाहिए सर के साथ। मरमेड फिश का नाम दे सकते हैं, बहरहाल मरमेड ही है ना, मतलब सिर्फ वो टेल और वो बॉडी रह गई है। जी हाँ गॉड, डिप तो दो अपनी राजस्थानी। हाँ ये डिप तो नहीं है खैर, ये इसमें ये मोर कुक होनी थी, अभी ये थोड़ी कुक होनी थी, ये इसकी वो मैरिनेशन थी, तो बोन है ना। नहीं इसको थोड़ा सा अभी मतलब थोड़ा स्टीम देना चाहिए था, थोड़ा स्टीम होता ना तो मज़ीद क्रिस्पी और मतलब पक जाती है, और जो इसकी मैरिनेशन है आप देखें ना ये सारी उतर गई है ना इसकी, तो अंदर तक मैरिनेशन नहीं गई है, ऊपर ऊपर तक गई, क्योंकि मैरिनेशन बहुत थिक थी इसकी, थिक होने की वजह से वो अंदर उसमें नहीं गई, ऊपर की सतह पर रही है। जो दो तीन पॉइंट्स हैं आप लोगों ने ख्याल रखना है कि अगर पर इंसिडेंट हो भी जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन किसी तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, वो क्या रीजंस हैं वो ये थैंक यू वो इन्होंने मेंशन किए थे। ये कौन सी सॉस बनाई बेटा? सर ये टर्मरिंड मायो सॉस है। मुझे तो अच्छा लगा ये फिश एंड चिप्स इनका। हाँ ये क्रिस्पी ठीक है, मजे का है, और अंदर तक इसका फ्लेवर भी है। हाँ जूसी फ्लेवर है, फ्लेवरफुल है। बाकी ये ग्रिलिंग में थोड़ा सा हो गया इससे। आपकी दहशत भी थी, मैंने तो थोड़ी प्यार से बात की है, वो प्यार से दहशत अलग होती है। मैं बड़ी प्यार से बात की है, प्रेजेंस आपकी जो है ना वो ऐसी है कि आप जब आए ना तो अगला बंदा हिल जाए। ओहो ऐसे ही सीखेंगे। हाँ। मतलब आपने जर्निक पार्ट टू आज बुलाया था ना। नोफिल उनमें से हैं इन दोनों शेफ में, मैंने काफ़ी सारी एपिसोड कर ली। नोफिल थोड़ा सा टेंस भी हो जाते हैं, थोड़ी सी टेंशन ले लेते हैं, और कभी पता नहीं इतफाक है नोफिल की किस्मत में अमीर या हर गेस्ट का ज़्यादा जोर इधर ही होता है। किस्मत टेंस में बनाने में अलग मजा है ना, लेकिन नो डाउट अच्छा बना। नहीं अच्छा है, मजे का है, मुझे क्रिएशन आपकी जो क्रिएशन आपने की है कि ईस्ट और वेस्ट को मिक्स किया है वो भी अच्छा है, तो देश परदेश बना दिया। तो ये पक्का राजस्थान गए होंगे, टेस्ट मिल रहा है? नहीं राजस्थान का ये 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 टेस्ट जो है ना ये थोड़ा बहुत राजस्थान का टच देता है, क्योंकि उन बेचारों के पास माइनस तो होती नहीं है। अच्छा वो ज़्यादातर सूखी चीज़ों को जो है ना वो यूज़ करते हैं। इंडिया का राजस्थान जो है ना वो थोड़ा सा खुशहाल है। इंडिया के राजस्थान की जो चीज़ें हैं उनकी चटनियाँ, क्योंकि वो तमाम चीज़ें प्रिजर्व करके रखते हैं, बारिश होती है उनके पास मिर्चियाँ और ये सारी चीज़ें होती हैं, फिर उनको सुखा के उनकी चटनियाँ वगैरह बना के रख देते हैं। इवन उनके पास जो है ना गोश्त भी आपको प्रिजर्व मिलेगा। एक जगह पे मैंने देखा कि उन्होंने जानवर को ज़बह किया और मसाले लगाए, मसाले लगाने के बाद उसकी आंतड़ियों को साफ़ किया, हवा भरी, पहले उसको सुखा दिया, फिर तो उसमें जो है वो भर के और एक सॉसेज बना के रख दिए और सुखा दिया धूप में। हाँ। वो कहते हैं इसको 12 महीने कुछ नहीं होना। सीरियसली? हाँ बस वो काट दें और उसके साथ सालन बना देते हैं।
क्योंकि उनके पास तो बारिशें होती हैं तब उनका इलाका खुशहाल होता है। क्या टेक्निक्स हैं, वाह। एक वो भी है, दूसरे नाम उनके पास जब बारिश होती है तो मशरूम बहुत ज़्यादा निकलते हैं। ओके। रेगिस्तान मशरूम, तो मशरूमों को जो है वो निकाल लेते हैं और उसको मतलब सुई धागे के साथ करके ना बड़ी बड़ी उसकी बना लेते हैं मालाएं और क्या कहते हैं हार, वो सुखा देते हैं। फिर वो सूखे हुए थोड़ी देर पानी में डालो या साले में डालो, बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। तो उसके लिए हाँ, मतलब हमारा पड़ोसी मुल्क। जी हाँ, नहीं हमारे राजस्थान, हमारे पास भी जो राजस्थान है असल में हमारी विरासत कुछ ऐसे हुई है, जैसे कश्मीर है आधा उनके पास है आधा हमारे पास है, राजस्थान आधा उधर है आधा इधर है, पंजाब आधा उधर है आधा इधर है। तो इसी तरह से तो मिलजुल के रहते ना, कभी नोक झोंक, कभी मिल झुल के, कभी प्यार, कभी गुस्सा। तो खाना पीना मतलब एक जैसा सेम है, सिमिलर है, नो डाउट। राजस्थान के रंग बहुत ज्यादा है, रंग रंगीले, रंगोलियां। बड़ी मोहब्बत लग रही है वैसे राजस्थान से इनको, आपने सही रेसिपी चूज की है और आज राजा साहब आए ना। नहीं अगर जिस किस्म की रेसिपी होगी तो हमें उससे बात करनी होगी। थोड़ी देर और दूं तो ये राजस्थान पे और अच्छी लंबी स्टोरी सुना देंगे आपको। अगर कुछ अगर ये गिलगित की रेसिपी बना तो मैं गिलगित के बारे में शुरू हो जाता। जो डिश आप बना रहे हैं उसका पता होना चाहिए कि ये असल कहाँ की है और यहाँ आने के बाद क्या बन गई है। मतलब चली तो खिचड़ी थी और पहुंचते पहुंचते खाचड़ी हो गई, खाचड़ी। एनीवेज थैंक यू सो मच। लास्ट कुछ कहना है अपने इन लोगों को? बस मैं कह रहा हूं कि लगन और मेहनत के साथ अपना काम जारी रखें और अपने सीनियर्स से जितना सीख सकते हैं वो सीखें, इंशाल्लाह फिर कामयाबी इनके हाथ में। इंशाल्लाह अभी आपके आगे तो छोटे बच्चे हैं, आपका एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत बड़ा है। वेल थैंक यू सो मच राजा साहब हमें टाइम देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ा मज़ा आया आपके साथ रिकॉर्डिंग करके, बहुत अच्छा लगा। जाते जाते आपने कुछ कहना है? बस मैं ये कहूँगा खुश रहें, आबाद रहें और ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें और ये हमारे कुकिंग लाइन को आगे बढ़ाते रहें, दुनिया को दिखाएं कि हमारे नौजवान भी किसी से कम नहीं। क्या बात है, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक यू बोथ ऑफ यू। हमेशा मज़े मज़े की रेसिपीज़ ट्राई करवाते रहते हैं, बना के सिखाते रहते हैं और दोनों ही माशाल्लाह परफेक्ट हैं। वैसे कहने को यहाँ पर ले आते हैं, हम चेक कर रहे होते हैं, टेस्टिंग कर रहे होते हैं, वैसे इनको ये भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वैसे ही माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं। लेकिन वही एक बात है ना कि सीखने का, काम करने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता है, तो वो चलता ही रहेगा जब तक ज़िंदगी है। और इसी तरह से हम भी आप लोगों के साथ खूब इंजॉय करते रहेंगे और आप लोगों को इसी तरह से पकाते रहेंगे। आपसे इजाजत ले रहे हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। कीप वॉचिंग, पकाओ, अल्लाह हाफिज़।